अरे यार, ये हमारे पड़ोसी के पास तो बहुत ही अच्छी कार है। काश ये कार मेरे फ्रेंकिल भैया के पास होती तो कितना मजा आता। मेरे फ्रेंकिल भैया हमेशा मेरे को घुमाने ले जाते हैं इस कार से। यार पड़ोसी कितना अच्छा है, उसके पास गाड़ी है। ए आंटी चले जा, तेरे पास भी बहुत अच्छी गाड़ी है, भग जा यहाँ से। अरे जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ। आज तो गाइस सारा मूड ही ऑफ हो गया। अभी गाइस मैं ना दूध लेने के लिए गया था, लेकिन दूध की दुकान बंद थी, और मैं जैसे ही यहाँ पे आया ना तो मेरे पड़ोसी की गाड़ी मेरे को दिख गई। और देखो फ्रेंकिल भैया, ये लो खटारा सी गाड़ी है यार, बाइक है, बस इनके पास कोई गाड़ी है ही नहीं। यार मेरे को बहुत गुस्सा आता है यार, मेरे सभी दोस्तों के पापा के पास ना बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी है, लेकिन मेरे फ्रेंकिल भैया के पास कोई गाड़ी नहीं है। यार चुप, तू किधर है यार, आज पूरा मूड खराब है यार। अब भाई साहब क्या हो गया, भाई साहब मेरे को बता तुझे क्या हो गया भाई, किसी से पिटके आ रहा है तू? अरे नहीं यार, किसी से पिटके नहीं आ रहा यार, हमारे पड़ोसी की गाड़ी देखी के यार कितनी मस्त है, और हमारे फ्रेंकिल भैया के पास तो कोई गाड़ी नहीं है यार। अब भाई साहब उसके पास पैसे नहीं है भाई, अगर उसके पास पैसे होते ना भाई वो भी गाड़ी खरीद लेता मस्त मत, और फिर हमको घुमाता भाई। कल हुआ भाई, अच्छा भाई दिल का ये बात है भाई, सच्ची बता रहा हूँ। अरे यार दिल के अच्छे तो यार मेरे को यार कभी रिमोट कंट्रोल कार भी नहीं दिलाई, और अपने लिए भी कार नहीं खरीदते यार, ऐसे क्यों करते वो? अब बात साहब बता तो भाई, उसके पास पैसे नहीं भाई, पैसे होते तो जरूर खरीद लेता वो। अरे सुन चुप यार, मेरे दिमाग में एक आइडिया है यार। अब बात साहब बता भाई कैसा आइडिया? अरे मैं क्या सोच रहा हूँ यार, देख फ्रेंकिल भैया सो रहे हैं। अरे फ्रेंकिल भैया सो रहे हो क्या? अरे ये मच्छरों ने जीन आराम कर रखा है सिंचन, सोने दे, रात भर जाग के काम कर रहा है। अब बात साहब सिंचन कौन सा प्लान बना रहा भाई, मेरे को भी तो बता दे। अरे सुन यार, एक ना मेरे दोस्त है यार, उसने ना अपने भैया को गंजा कर दिया था, मेरे पास ना ट्रिमर है, आज फ्रेंकिल भैया को गंजा कर देते हैं यार, बहुत मजा आएगा, मजे करेंगे वो। अब बात साहब फिर तो मजा ही आ जाएगा, बात साहब सिंचन फुल भाई कलुआ तो चौक जाएगा। अरे हाँ यार, फ्रेंकिल भैया के बालों को उड़ा देते हैं यार, कुछ दिनों में फ्रेंकिल भैया के बाल फिर आ जाएंगे, क्या हो गया है ना, थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा मजा तो आ जाएगा, जो मेरा मूड ऑफ है ना वो एकदम खिलखिला जाएगा। अब बात साहब कैसे खिलखिला जाएगा भाई, बता तो दे मेरे को भी। अरे यार खिलखिला जाएगा मतलब यार मैं खुश हो जाऊंगा, आज चलते हैं यार फ्रेंकिल भैया को गंजा कर देते हैं ट्रिमर से, मजा ही आएगा, जैसे वो उठेंगे तो देखेंगे मैं गंजा, बहुत मजा आएगा। तो अब बात साहब मैं क्या करता भाई, मैं चलाता हूँ ट्रिमर, तू मत चला अपने हाथों से, वरना कल देख ले तो तेरे को मारेगा। अरे यार तेरे तो हाथ ही नहीं है। अबे सिंचन हल्ला मत मचा, एक मच्छर और तुम दोनों ने इतना हल्ला मचा रखा है, सोने दो यार मेरे को आराम से। अब भाई साहब यही मौका भाई सुनजान, फटाफट से भाई ट्रिमर चला दे। अरे हाँ रुक जा यार, मैं ट्रिमर चला देता हूँ, फ्रेंकिल भैया को पता नहीं लगना चाहिए। अरे ये लो गाइस, फाइनली मैंने फ्रेंकिल भैया को गंजा कर दिया। अबे चुप जल्दी आ जा, अगर तेरे को देख लेना फ्रेंकिल भैया ने अंदर तो देख तेरे को बहुत ही मारेंगे। अब भाई साहब मिल, रुक जा सुनजान भाई, कहाँ चलेगा भाई, मिल रुक जा। अरे बात तो गाइस मजा ही आ गया, फ्रेंकिल भैया को गंजा कर डाला। फाइनली गाइस आखिरकार मेरी नींद पूरी हो गई। गाइस मैंने रात सो नहीं पाया था, लेकिन चलो यार अब नींद पूरी कर ली मैंने सो के। चलो गाइस एक बार चेहरा देख लेता हूँ यार सुनजान से, मुझे ना कैसे भी करके गोरा होना है यार, ये शक्ल अजीब सी लग रही है गाइस। एक सेकंड, मेरे बाल कहाँ हैं? अरे गाइस मेरे बाल कहाँ चले गए यार, मेरे बाल। गाइस मैं गंजा हो गया, मैं गंजा कैसे हो गया गाइस, मैं सपने में तो नहीं हूँ ना यार, मेरे तो बाल थे। अरे गाइस मैं तो यार सपने में नहीं हूँ, सिंचन कहाँ है तू यार, सिंचन मेरे बाल किसने उड़ा दिए, प्लीज मेरे को बता दे। गाइस ये सिंचन कहाँ चले गया? अरे यार फ्रेंकिल भाई क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हूँ? वो बात अब सिंचन ये तो गंजा हो गया भाई, ये भाई कलवा नहीं, अब तो ये गंजा है भाई। सिंचन मेरे बाल किसने उड़ा दिए? फ्रेंकिल भैया मेरे को नहीं पता, मेरे को लग रहा है फ्रेंकिल भैया किसी भूत ने तुम्हारे बाल उड़ा दिए। अब सिंचन अब मैं क्या करूँ यार, मैं तो अब सोसाइटी में घूम ही नहीं पाऊंगा, सब लोग मेरे को गंजा गंजा कह के चिढ़ाएंगे। अब बात अब तो तेरे को मैं भी गंजा कहूंगा भाई कलवे। अब सिंचन मेरे को पता लगाना होगा आखिरकार मेरे को गंजा किसने कराया। सिंचन मैं ना उसको छोड़ूंगा ना यार, कुछ भी हो जाए उसे ना पुलिस स्टेशन खींच के ले जाऊंगा यार, मेरे को गंजा कैसे कर दिया। अरे यार चुप, मेरे को डर लग रहा है। अबे सिंचन तूने कुछ कहा क्या? अरे नहीं फ्रेंकिल भैया मैंने कुछ नहीं कहा। अरे तुम जाओ ना फ्रेंकिल भैया। हाँ हाँ जा रहा हूँ। अरे चुप, मेरे को तो डर लग रहा है भाई, अब तुम फंसे यार बहुत बुरी तरह से। अब भाई साहब सिंचन मेरे को लग रहा भाई तेरी तो आज मौत है भाई कलवे के हाथ से भाई, कलवा तेरे को बहुत ही मारेगा। गाइस क्या खुसर फुसर कर ले, मेरे को लग रहा है गाइस मेरे बाल ने यार सिंचन ने काटे हैं। सिंचन सच्ची सच्ची बता, तूने गंजा कराया ना मेरे को? अरे फ्रेंकिल भैया वो मैं क्या कह रहा था, तूने ही कराया, मुझे पक्का पता है। फ्रेंकिल भैया मैंने ही तुमको गंजा कराया, वो मैंने थोड़ी मौज मस्ती करने के लिए मैंने तुमको गंजा कर डाला। अबे यार तूने मेरे बाल उड़ा दिए मौज मस्ती करने के लिए। यार सिंचन मैंने पूरे 100 रुपए की कटिंग कराई थी। अरे बहुत भूख लगी है, कहां से खाने का समझ नहीं आ रहा। अरे इसका गेट खुला हुआ है, क्या करूं, अंदर जाके देखूं क्या? इस वाले से देखता हूं ये खुला है। अरे हो, ये तो खुला हुआ है, इसके घर में देखना पड़ेगा खाना मिलेगा। अरे अगर इस घर के मालिक ने मेरे को देख लिया तो वो मेरी जान ही ले लेगा। छुपके छुपके देखता हूँ, यहाँ टेबल पे कुछ नहीं पड़ा और यहाँ पे भी कुछ नहीं पड़ा। बहुत तेज भूख लगी है हमको, हमने पूरे 2 दिन से खाना नहीं खाया। अरे कुछ तो मिल जा खाने को यार, थोड़ा बहुत छिक्कल ही मिल जा। अरे वाह खाने को मिल गया, यहाँ पे तो मस्त मस्त केले रखे हुए हैं, फ्रूट रखे हुए हैं, यही खा लेता हूँ। गाइस आज तो बहुत ही मजा आ गया यार, फ्रेंकिल भैया को गंजा कर डाला मैंने। यार फ्रेंकिल भैया ने गुस्से में मुझसे बोला कि जाके पढ़ ले ऊपर। गाइस उन्हें क्या पता मैं पढ़ूंगा थोड़ी ना, मैं तो मस्त टीवी देखूंगा, टीवी में टच मैक्सिमर की वीडियो देखूंगा, वो ना बहुत अच्छी वीडियो बनाता है यार, मजे से देखूंगा। ये कौन खड़ा है यार? अरे कहीं यार हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे भूत तो नहीं आ गया ये? भूत? अरे नहीं भूत तो नहीं लग रहा, ये कोई बनमानुष टाइप लग रहा है मेरे को। गाइस बहुत खतरनाक है। अरे बच्चे ये से वेब खा लू क्या? मैं बता तेरे परमिशन से खाऊंगा। अरे बाप रे ये तो बोलता भी है। फ्रेंकिल भैया कहाँ हो? फ्रेंकिल भैया यार हमारे घर में बनमानुष घुस गया बोलने वाला, फ्रेंकिल भैया बचाओ मेरे को। अबे चुप, ये तो अपने सिंचन की आवाज है। गाइस मेरे को लग रहा है ना हमारे सिंचन को यार किसी चोर वोर ने किडनैप कर
लिया सिंचन का है तू? गाइस घर के अंदर से आवाज आ रही है, फ्रैंकिल भैया किधर हो तुम? अबे तू का है ये? अरे ये तो खड़ा सिंचन, पीछे देख ये रहा मैं। फ्रैंकिल भैया सामने चलो यार, हमारे घर में एक बनमानुस आ गया बोलने वाला यार, बोला है। अबे बनमानुस? बनमानुस कौन होता है सिंचन? देखो ना खुद जाके देखो यार, मेरे को पता नहीं कौन है ये। अबे देखो तो सही। अरे बाप रे गाइस ये कौन है? अरे आपकी इजाजत से खाऊंगा, ये आपका घर है, ये सेब मेरे को खाने दे बेटा, पूरे 2 दिन हो गए मैंने खाना नहीं खाया। अरे सिंचन यार मेरे को तो यार ये शरीफ लग रहा है, मेरे को लगता नहीं है कि ये हमारे घर को तहस नहस करेगा। अरे फ्रैंकिल बेस से मेरे को बहुत डर लग रहा है यार, ये हमको खा लेगा। अरे नहीं मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा यार, बस मेरे को ये सेब वेब के लिए खान दो, बहुत तेज भूख लगी है यार, 2 दिन से नहीं खाया कुछ भी। सिंचन मैं क्या कह रहा हूँ ना यार, इसको खाने देते हैं यार, मेरे को इस पे तरस आ रहा है। अरे हाँ फ्रैंकिल भैया बात तो सही कह रहे हो, मेरे को भी इस पे तरस आ रहा है यार, ये कुछ कह नहीं रहा। अरे मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ क्या? अरे हाँ हाँ भाई जरूर दोस्त बन सकता है। अरे हाँ भाई तू मेरा दोस्त बन जा यार, चौप तू मैं मजे से खेले करेंगे भाई, बहुत मजे से। ओहो मेरे को लगता है आखिरकार मेरे को तुम लोग मिल ही गए। अरे भाई कौन लोग मैं समझा नहीं। अरे बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी एक हेल्प कर दो बेटा। अरे कैसी हेल्प बताओ तो सही हमको। बेटा मेरे को 20 साल पहले एक शराब मिला था बेटा, मैं पहले तुम्हारी तरह इंसान हुआ करता था, लेकिन बेटा हुआ क्या, मेरे को शराब मिला और शराब में बेटा मेरे को ये बंदर बना दिया गया। अब बेटा मेरे को क्या चाहिए बेटा, एक जादुई अंडा चाहिए बेटा, जैसे वो जादुई अंडा मेरे पास आएगा मैं अपने इंसानी रूप में वापस आ जाऊंगा, और बेटा जैसे मैं इंसानी रूप में वापस आऊंगा बेटा मेरे अंदर बहुत सारी पावर आ जाएंगी जो मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ। अरे फ्रैंकिल भैया कौन सी जादुई पावर यार, इनसे पूछो ना। अरे भाई कौन सी जादुई पावर? बेटा तुम्हें ना रंगीन पहाड़ी पे जाना होगा, और रंगीन पहाड़ी पे तुम्हें जादुई अंडा दिखेगा, और बेटा उस जादुई अंडे को तुम्हें मेरे पास लाना होगा बेटा, जैसे ही वो अंडा मेरे पास आएगा मैं उसे फोड़ूंगा, उसके बाद मैं अपने इंसानी रूप में वापस आ जाऊंगा और मेरे अंदर बहुत सारी पावर आ जाएंगी। अरे यार लेकिन हम तुम पे विश्वास कैसे करें यार? अरे बेटा मेरे पे विश्वास करो बेटा, मैं जब तक यहीं रुका रहूंगा। सिंचन मेरे को ना इनकी बात पे विश्वास हो रहा है। बेटा तू टेंशन मत ले, तेरे बाल भी आ जाएंगे, मैं तेरे बाल भी दे दूंगा तेरे को 1 सेकंड के अंदर, मुझे सब पता है सिंचन ने तेरे बाल काटे। अरे फ्रैंकिल भाई ने कैसे पता लगा? सिंचन अब जल्दी आ, हमें ना बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, फटाफट से जाके रंगीन पहाड़ी पे जाके ना जादुई अंडा लेके आते हैं, उसके बाद सिंचन मेरे बाल वापस आ जाएंगे और तो और मेरे को ना पावर भी मिल जाएंगी, ये बोल रहे हैं। अरे रुक जा फ्रैंकिल भैया मेरे को छोड़ के मत जाना यार, मैं आ रहा हूँ यार। अब लेकिन सिंचन हमको ना बाइक से जाना होगा, हमारे पास कोई गाड़ी तो है नहीं। चलो गाइस ये मैंने हेलमेट भी लगा लिया। सिंचन पकड़ के बैठियो, गिर मत जाइयो। नहीं नहीं फ्रैंकिल भैया गिरूंगा नहीं। फ्रैंकिल भैया ये अच्छा हुआ यार तुमने हेलमेट लगा लिया, अब कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। अब क्यों नहीं पहचान पाएगा, पहचान लेंगे। अरे मतलब फ्रैंकिल भैया मैंने तुम्हें गंजा करा है ना, तो तुम्हें कोई गंजा देख नहीं पाएगा। हाँ सिंचन ये बात सही कह रहा है तू। गाइस हेलमेट से मेरी 2 सेफ्टी हो गई, एक तो गाइस मेरी खुद की सेफ्टी हो गई, मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो गाइस मेरे कहीं लगेगी नहीं, और गाइस मेरा गंजापन भी छुप गया। अरे फ्रैंकिल भैया लेकिन मैं गिरा तो मेरी लग जाएगी क्या? अब सिंचन मैं एकदम स्लो स्लो बाइक चलाऊंगा, तू टेंशन नहीं क्यों रह रहा है? अरे फ्रैंकिल भैया तुम क्या स्लो चलोगे, ये बाइक खुद ही स्लो चलती है, इस बाइक के अंदर बिल्कुल भी स्पीड नहीं है यार, हम गिरेंगे कहां से, हमारा एक्सीडेंट होगा ही नहीं। हां सिंचन तेरे को पता है तो बोल क्यों रहा है यार। फाइनली गाइस आखिरकार मैं और सिंचन गाइस रंगीन पहाड़ी पे पहुंचने वाले हैं। फ्रैंकिल भैया मेरे ने एक सवाल है यार, बता यार क्या हो गया सिंचन? फ्रैंकिल भैया वो जो बनमानुस है यार वो खुद क्यों नहीं आया वो अंडा लेने? पता नहीं सिंचन वो क्यों नहीं आया, लेकिन सिंचन यहां पे ये देख मेरे को ऐसा लग रहा है सिंचन यहां पे एलियन रहते हैं। अरे हां फ्रैंकिल भैया ये तो एलियन की सी प्रक्रिया है, मेरे को फ्रैंकिल भैया बहुत डर लग रहा है। ये ले सिंचन क्या बढ़िया जंप लगाई मैंने, फ्रैंकिल भैया आराम से यार मरना जाए हम। अबे नहीं मरेंगे सिंचन, क्यों टेंशन ले रहा है? अरे खोपड़ी उल्टी पुल्टी कर दी फ्रैंकिल भैया, कैसे चला रहे हो बाइक? अबे सिंचन सॉरी भाई गलती हो गई यार, तेरे लगी तो नहीं। अरे सॉरी क्या बोल रहे फ्रैंकिल भैया, ऐसे स्टंट तो मैं डेली अपने स्कूल में करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, मेरी कुछ भी नहीं लगी यार, तो मेरी बिल्कुल परवाह मत करो। अरे कौन है भैया कौन है, अंदर क्यों जा रहा है बता मेरे को? अबे अंदर काम है इसलिए जा रहा हूँ। बेटा अंदर तो जा रहा है लेकिन मर के आएगा बाहर, ये याद रखियो। अरे फ्रैंकिल भैया क्या कह रहा है यार, डर लग रहा है मेरे को तो। अरे अंदर तो जा रहा है लेकिन मर के बाहर आएगा, ध्यान रखियो, जा जा अंदर जा मर के बाहर आइयो। अगर गरीब कस्टमर आ गया ये भी मरेगा, जा सबकी तरह तू भी मरेगा। अरे यार फ्रैंकिल भैया ये क्या कह रहे हैं यार, हम मरेंगे क्या? देखो फ्रैंकिल भैया यहाँ पे तो बॉडीगार्ड खड़े हैं यार गन लेके। नहीं सिंचन ये बॉडीगार्ड तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहे। फ्रैंकिल भैया मैं सही बताऊँ ना मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार। अबे सिंचन ये कौन लोग हैं यार, यहाँ पे तो टीवी वगैरह सब कुछ लगा रखी है। आओ भैया हमारे अड्डे पे तुम्हारा स्वागत है। भैया तुमने कुछ चीज नोटिस करी क्या? अरे नहीं यार मैंने तो कुछ चीज भी नोटिस नहीं करी। भैया तुम गंजे थे और अब देखो भैया तुम्हारे सर पे बाल आ गए। अरे सिंचन मेरे सर पे बाल लगे क्या? हाँ फ्रैंकिल भैया तुम्हारे सर पे बाल लगे यार, ये कैसे हुआ? मेरी जादुई पहाड़ी है ये जादुई पहाड़ी, इस पहाड़ी का रंगीन नाम है रंगीन। अबे सिंचन तुम मजे ही आ गए, सिंचन मेरे तो बाल आ गए, अब घर पे चलते अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे फ्रैंकिल भैया हमें पावर भी तो देगा यार वो बनमानुस यार, लेके चलो वो अंडा। हाँ सिंचन सही कह रहा है, अब वो अंडा लेके जाएंगे घर पे, लेकिन वो अंडा हमें मिलेगा कहाँ पता नहीं फ्रैंकिल भैया, कहाँ मिलेगा? सिंचन यही है क्या वो जादुई अंडा? अरे हाँ फ्रैंकिल भैया इसके अंदर तो अंडा रखा हुआ है यार, देखो क्या जादुई अंडा यार, यही है उस बनमानुस को यही अंडा चाहिए, चलो इसे गाड़ी में रखो लेके चलते हैं। अबे सिंचन हमारे पास तो गाड़ी नहीं है यार, और बाइक पे तो ये अंडा जाएगा नहीं, अब क्या करे सिंचन? पता नहीं अब क्या करे फ्रैंकिल भैया, मेरे को तो काफी डर लग रहा है यार, यहाँ से
से चलो यार, यार मेरे को लग रहा है ये लोग ना हमको मार देंगे। वो सिंचन सही कह रहा है, आजा उस साइड चलते हैं, वहाँ पे ना कुछ प्लानिंग बनाते हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। हाँ फ्रिंकल भैया प्लानिंग बना लो। एक सेकंड सिंचन, यहाँ पे देख यार जी वैगन खड़ी हुई है। अरे वाह फ्रिंकल भैया जी वैगन दिख गई यार हमको तो। वाह यार इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है। गाइस गाड़ी देखो कितनी प्यारी लग रही है यार ये जी वैगन। सिंचन यार अगर ये गाड़ी खुली हुई हो तो मजा ही आ जाएगा ना, इसके अंदर बैठ के देख लेंगे। लेकिन फ्रिंकल भैया इसके मालिक ने ना इसमें लॉक लगा रखा होगा, फिर भी सिंचन कोशिश करता हूँ। अब सिंचन इसका तो लॉक खुलवा है, जल्दी से बैठ, इसमें चाबी भी है। अरे वाह फ्रिंकल भैया एक काम करो यार, वो अंडा इसके ऊपर रखो और घर पे लेके चलते हैं इस गाड़ी से। हाँ सिंचन सही कह रहा है यार, हमें अपने अंदर ना पावर चाहिए तो हमें ये करना ही पड़ेगा, चलो चलते हैं। अरे यार पानी में क्यों कूदा दी यार गाड़ी, यार जाम हो जाएगी। ले सिंचन नहीं हुई, सिंचन इस गाड़ी का नाम ना जी वैगन है यार, ये कभी पानी में फंस ही नहीं सकती। अरे भैया इधर आओ भैया, हमारी गाड़ी लेके कहाँ जा रहे हो? अरे गाइस मैं क्या बताऊँ, अरे भाई प्लीज थोड़ी देर के लिए गाड़ी दे दे, वापसी कर दूंगा, चल चल ले जा। मरना तो भाई वैसे भी तुझे दो दिन बाद। अब भाई क्या कर रहा है तू, चले जा अगर जादुई पावर आई तो ही बच पाएगा। अबे सिंचन इसे हमारे बारे में सब पता है क्या? सब पता है बेटा, सब पता है, वो बनमान उसको देने जा रहा है बेटा, तू ही अंडा सब पता है, अगर पावर आई तो ही बचेगा वरना नहीं बच पाएगा, याद रखियो। फ्रिंकल भैया यार मेरे तो यार टॉयलेट निकल गया ये सब बातें सुन के। अबे सिंचन तू पागल है क्या? तो गाइस यार वो जो जादुई अंडा था गाइस मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर रख दिया, आजा सिंचन जल्दी से गाड़ी में बैठ, जल्दी से उस बनमान उसको दे के आ जाते हैं ये अंडा। हां फ्रिंकल भैया जल्दी से देते हैं, उसके बाद हमारे अंदर ना पावर आ जाएगी, बहुत सही सही। लेकिन फ्रिंकल भैया गाड़ी देख के चलाना क्योंकि ये गाड़ी ना हमारी नहीं है यार, वरना ये बंदा हमें मार देगा यार, देखा नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है। हाँ सिंचन यार जैसे हम इस पहाड़ी पे आए ना तो ये सारे बंदे एकदम अजीब अजीब सी बातें करने लग गए। हाँ फ्रिंकल भैया अजीब अजीब सी नहीं, बहुत अजीब सी, ये क्या कर दिया फ्रिंकल भैया? अब सिंचन मेरे को दिखा नहीं, कोई बात नहीं सिंचन थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, लेकिन गाड़ी को कोई भी चोट नहीं लगी। अरे गाड़ी को चोट नहीं यार, स्क्रैच बोलते हैं। हाँ हाँ सिंचन कुछ भी बोलते हो, लेकिन फ्रिंकल भैया मैं क्या करता, जब तुम्हारे अंदर पावर आ जाएगी ना तो उसके बाद मेरे लिए रिमोट कंट्रोल कार खरीदोगे ना? हाँ सिंचन रिमोट कंट्रोल कार और अपने लिए बहुत तगड़ी गाड़ी भी खरीदूंगा। हाँ फ्रिंकल भैया बहुत सुपर कार खरीदना, जो हमारे पड़ोसी के पास है ना उससे भी अच्छी खरीदना। हाँ सिंचन उससे तो एक नंबर खरीदूंगा, क्यों टेंशन ले रहा है तू? वाह 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 फ्रिंकल भैया ओपी गाइस, यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो जिसने भी नहीं करा मेरे फ्रिंकल भैया के लिए अभी की अभी। फाइनली गाइस आखिरकार मैं और सिंचन बस घर पहुंचने वाले हैं, उसके बाद देखते हैं गाइस वो हमारे अंदर कौन सी पावर देगा बनमानुस। हाँ फ्रिंकल भैया यही घर है, बस रोक लो फटाफट से, जल्दी चलो यार बनमानुस को बुला के लाओ। अरे फ्रिंकल भैया तुम तो फिट टकले हो गए। अब सिंचन यार मैं तो फिट टकला हो गया यार, अब ये बनमानुस ही मेरे बाल ला सकता है। ए भाई तू किधर है यार, मैं वो लेके आ गया अंडा। अरे मुझे तुमसे उम्मीद थी तुम लेके आओगे, लेकिन तुम टेंशन मत लो, अब मेरे लिए जल्दी से यहाँ पे अंडा लाओ, मैं इंसान के रूप में कन्वर्ट होऊंगा, उसके बाद पावर आ जाएंगी मेरे अंदर। अरे जाओ फ्रिंकल भैया मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से जाके अंडा लाओ यार, तुम्हें अपने बाल नहीं चाहिए क्या? हाँ सिंचन मेरे को अपने बाल चाहिए और अपने अंदर पावर भी चाहिए, जल्दी से जाता हूँ लेके आता हूँ। तो गाइस यार वो जो बाहर अंडा था गाइस मैंने इनके आगे लाके रख दिया है, भाई जल्दी से अब तू भाई कन्वर्ट हो जा। ठीक है बेटा पीछे जाओ भैया, पीछे जाओ विदाउट से, अब मैं अपने इंसानी रूप में वापसी आने वाला हूँ। सिंचन ये आग कहाँ से लग गई फ्रिंकल भैया, उस अंडे में आग कहाँ से लग गई और वो बनमानुस कहाँ चले गया? सिंचन मेरे को लग रहा है अपना गाइस मेरा घर जलने वाला है, सिंचन प्लीज मेरे घर को बचा ले। अरे मैं कहां से बचाऊं यार, अरे ये क्या हुआ फ्रिंकल भैया, वो आग कहां गई? पता नहीं सिंचन वो आग कहां चली गई और ये धुआं धुआं कैसा हो गया? अरे यार फ्रिंकल भैया बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है, लग रहा है कुछ होने वाला है, ये कौन है फ्रिंकल भैया? वापसी आ गया मैं अपने इंसानी रूप में, मेरी आवाज भी धीरे धीरे आ रही है वापसी। अरे वाह भाई तू तो यार अपने इंसानी रूप में वापसी आ चुका है। अरे हाँ भैया तुमने भैया हमको अपने इंसानी रूप में वापसी लाया भैया, तुम्हारा दिल से थैंक यू भैया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे भाई तुम दो ना, तुम बोले थे मेरे अंदर कोई पावर दोगे। ठीक है बेटा मैं तुम्हारे अंदर पावर देता हूँ, बेटा तुम्हारे अंदर बहुत सारी पावर आएंगी और तुम जिस भी गाड़ी में बैठोगे वो गाड़ी गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, धीरे धीरे बेटा तुम बहुत अमीर बन जाओगे। अरे बाबा यार हम अमीर बनेंगे ना, सच बोल रही हूँ ना यार? हाँ बेटा मैं सच बोल रहा हूँ, तेरे को यकीन नहीं हो रहा तो जाके किसी गाड़ी में बैठ के देख। अरे फ्रिंकल भैया वो बाबा कहाँ गायब हो गए यार? सिंचन पता नहीं वो बाबा कहाँ चले गए, मेरे ख्याल से वो ना अपने घर चले गएंगे। आजा सिंचन जल्दी से गाड़ी में बैठ के देखते हैं, अगर गाड़ी गोल्ड के अंदर कन्वर्ट होगी ना तो समझ लो हमारे अंदर बहुत सारी पावर आ चुकी है। चलो चलो फ्रिंकल भैया बैठो। सिंचन मैं अपनी पावर टेस्ट कर रहा हूँ और ये गाइस आप लोग देखो मैं कितनी लंबी जंप लगा पा रहा हूँ, देख सिंचन। अरे वाह फ्रिंकल भैया ओपी यार, तुम्हारे अंदर तो बहुत नेक्स्ट लेवल की पावर आ गई, देखो यार कितनी बड़ी बड़ी जंप लगा रहे हो। फ्रिंकल भैया मेरे को पद्दी पे बिठा लो, उसके बाद जंप लगाओ, मजा आएगा। अबे नहीं सिंचन अगर तेरा हाथ छूट गया ना तो तू बहुत गंदी तरह से नीचे गिरेगा, उसके बाद तेरे बहुत तगड़ी चोट लग जाएगी। अरे वाह फ्रिंकल भैया आप तो मस्त मस्त चल रहे हो, जल्दी से गाड़ी में बैठ के देखो ये गोल्ड में कन्वर्ट होती है नहीं होती। चलो मैं भी आया, ये लो ये बैठ गया, वाह वाह बैठ गया। अरे गाइस देखो सच में गाड़ी गोल्ड के अंदर कन्वर्ट होगी, फ्रिंकल भैया कितनी बढ़िया लग रही है ये जी वैगन गोल्ड में कन्वर्ट होके। हाँ सिंचन ये गाड़ी एक नंबर लग रही है ना गोल्ड में कन्वर्ट होके। अरे बहुत बढ़िया फ्रिंकल भैया एक नंबर लग रही है, लेकिन फ्रिंकल भैया इससे हम अमीर कैसे होंगे? अब सिंचन ये गाड़ी अब नॉर्मल गाड़ी नहीं रही, ये ना गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है और इसके ना काफी पैसे बढ़ गए, अगर हम इसे अब बेचेंगे ना तो बहुत महंगे में बिकेगी ये गाड़ी। हाँ फ्रिंकल भैया सही कह रहे हो यार, ये महंगी बहुत गाड़ी में बिकेगी। अब सिंचन क्या कह रहा है तू? अरे फ्रिंकल भैया इतने ज्यादा सोना देख के यार मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, लेकिन ये बताओ ना जा कहाँ रहे हो? सिंचन अब मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, उसकी गाड़ी गोल्ड
गोल्ड में कन्वर्ट करूंगा और उससे बहुत सारा पैसा लेके आऊंगा। अरे वाह वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा, हम तो बहुत सारी चीजें खरीदेंगे। अरे गोल्ड की गाड़ी देखो। अबे रुक जा मैम, तेरी गोल्ड की गाड़ी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। अरे नहीं भैया, अरे निकाले नहीं, अरे 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 बापरे बापरे निकाल दिया। अरे बाप अंकिल भैया, इनकी गाड़ी को कर दो फटाफट से गोल्ड में कन्वर्ट। अरे गाइस देखता हूँ गोल्ड में कन्वर्ट होती है। गाइस देखो कितनी प्यारी लग रही है ये गाड़ी गोल्ड में कन्वर्ट होके। गाइस वो मैम जिसकी ये गाड़ी थी वो भाग गई है। गाइस जब आएंगी ना अपनी गाड़ी को गोल्ड में कन्वर्ट हुआ देखेंगी तो काफी खुश हो जाएंगी। भाई तुम्हारी किसी की गोल्ड में गाड़ी कन्वर्ट करनी है क्या? अरे ना भैया, हमारी ना करो भैया, नॉर्मल गाड़ी ठीक है, हमारी तो तुम पे विश्वास नहीं है। अरे छोड़ो छोड़ो, जाओ ना विश्वास नहीं है तो भाड़ में जाओ। चलो फ्रेंकिल भी अपने दोस्त के घर चलो, उसकी गाड़ी को गोल्ड में कन्वर्ट करना, उसके बाद तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, फिर तो हम जो मर्जी चीज ले सकते हैं। यार फ्रेंकिल भैया बहुत पैसा होगा हमारे पास। हाँ सिंचन, इतना पैसा होगा ना कि हम उसे खर्च करेंगे जब भी वो खर्च नहीं होगा, क्योंकि गाइस हमारे अंदर ना काफी ज्यादा पावर आ चुकी है। हम जिस भी गाड़ी में बैठेंगे वो गाड़ी गाइस गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फ्रेंकिल भैया यार आप तो सुपर हीरो बन चुके हो। गाइस मेरे फ्रेंकिल भैया के लिए अभी के अभी गाइस इस वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। और गाइस जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो यार, आपके भाई का चैनल है, जल्दी से गाइस अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फ्रेंकिल भैया ये तो बता दो यार, तुम्हारे दोस्त का घर कौन सा है? यार यहाँ पे तो सारे घर वीआईपी है। हाँ सिंचन, ये जो बगल वाला घर है ना यही मेरे दोस्त का, आजा फटाफट से घुस जाता है इसके अंदर। अरे वाह फ्रेंकिल भैया, इसका गेट तो ऑटोमेटिक है यार, इसके पास हम जैसे ही आए ये तो खुलने लग गया। सिंचन टेंशन क्यों ले रहा है, अब जब अपना नया घर लेंगे ना उस घर में हम यही गेट लगवाएंगे। अरे भैया कहाँ घुसे चले जा रहे हो भैया, तुम्हें पता नहीं है बहुत अमीर का घर है भैया, कहाँ जा रहे हो? अबे हम भी तो अमीर है, देख ले हमारी गोल्ड की गाड़ी है, हमें जाने दे। ठीक है भैया, बात तो सही कह रहे, तुम अमीर हो जब भी तो आयो घर में, जाओ जाओ। चलो गाइस देखते हैं मेरा दोस्त ये खड़ा। अरे कौन आया ये मेरे घर पे, इतना अमीर आदमी गोल्ड की गाड़ी लेके? अबे यार मैं आया हूँ भाई। अरे फ्रैंकलिन मेरे दोस्त कितने दिनों बाद शक्ल दिखाई है। अब तू तो बहुत गरीब था, इतना अमीर कैसे बन गया ये बता। अरे यार हम अमीर बन गए यार, तुझे उससे चिड़न हो रही है क्या? अरे नहीं मुझे क्यों चिड़न होगी यार, तुम तो मेरे पक्के दोस्त हो। ये तो बता कहाँ से लॉटरी लग गई तेरी, इतना अमीर कैसे हो गया? अबे तू वो सब छोड़, मैं तेरी गाड़ी हेलीकॉप्टर के अंदर बैठूंगा, उन्हें ना गोल्ड में कन्वर्ट कर दूंगा, उसके बदले तू मुझे पैसा देगा। अरे क्या बोला है, नशे वसे करके आया क्या फ्रैंकिल? अबे रुक जा, तेरे को करके दिखाता हूँ। गाइस मुझे पता था ये ना यकीन नहीं मानेगा। लो फ्रैंकिल भैया मैं भी बैठ जाता हूँ हेलीकॉप्टर में, मैं ना कभी जिंदगी में हेलीकॉप्टर में नहीं बैठा। अरे बात देखो फ्रैंकिल भैया गोल्ड में कन्वर्ट हो गया अपना हेलीकॉप्टर भी। और फ्रैंकिल इधर आ फ्रैंकिल, मेरे को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा, तूने कैसे कर दिया भाई गोल्ड में कन्वर्ट ये? अरे वाह यार, तेरे साथ तो डील करनी मंजूर है भाई मेरे को, बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत ही खुश हूँ भाई, जिंदगी में पहली बार देखने को मिला ऐसा सीन, बहुत बढ़िया सिंचन। अरे यार मेरे को बहुत बढ़िया मत बोलो, मेरे फ्रैंकिल भैया को ओपी बोलो यार, फ्रैंकिल भैया ओपी है। अरे फ्रैंकिल ओपी यार, मेरी सारी गाड़ी को फटाफट से यार गोल्ड में कन्वर्ट कर दे, तेरे को बैग भर के पैसा दूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। चलो गाइस मैं ना जल्दी से इसकी सारी गाड़ी हेलीकॉप्टर सबको गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। फाइनली गाइस यहाँ पे जितनी भी गाड़ी और हेलीकॉप्टर थे गाइस मैंने सबको गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, उनके अंदर बैठ ही बैठ के। और देखो यार मेरे अंदर क्या ही पावर है। अरे ये कैसे करा? अबे तेरे अंदर ये कैसी पावर आ गई फ्रैंकिल? अबे मैंने तुझे बोला ना यार कि मेरे अंदर काफी सारी पावर आ चुके हैं। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत ही खुश हूँ यार तेरे से, ऐसी जिंदगी में कभी पावर नहीं देखी। अबे ये सब छोड़ा, फटाफट से मेरे को पैसे दे दे, और मेरे को यार हेलीकॉप्टर और गाड़ी भी चाहिए। ठीक है मैं तेरे घर पे भिजवा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहा है तू यार? फ्रैंकिल भैया पैसों की बात करो यार, मेन बात करो, क्या बातें कर रही हो अपने दोस्त से यार, जल्दी करो ना यार मेरे को पैसे चाहिए। अबे यार दोस्त मेरे को मेरे पैसे दे दे फटाफट से। ठीक है फ्रैंकिल, अब मैं तेरे को पैसे दे देता हूं बैग भर के वो भी। अबे सिंचन ये बदबू कहां से आ रही है, बहुत देर से आ रही है। अरे फ्रैंकिल भैया मैंने टॉयलेट कर दिया था यार अपनी पैंट में ही। तो गाइस यार यहां पे अभी मैंने बैग और बक्सा भर के फुल टू फुल पैसा ले लिया, आजा सिंचन जल्दी चलते हैं। और हां सिंचन सबसे पहले ना तेरे को नई पैंट दिलाऊंगा, बहुत गंदी बदबू आ रही है, तूने टॉयलेट कर लिया पैंट में ही? हां फ्रैंकिल भैया यार मेरे को बहुत तेज टॉयलेट लग रहा था, मैंने पैंट में ही कर लिया यार। अरे फ्रैंकिल मजे से जाप तू। अबे तेरी आवाज को क्या हो गया? अरे इतना पैसा पहली बार देखा है यार। चलो चलो फ्रैंकिल भैया यार हेलीकॉप्टर में बैठ के जाएंगे, बहुत ही मजा आएगा। ये लो मैंने खोली खिड़की और ये लो बैठ गया, वाह वाह यार अंदर से कितना लग्जरी है ये। गाइस उड़ाओ यार फ्रैंकिल भैया, उड़ाओ हेलीकॉप्टर को। हां सिंचन ये ले मैंने उड़ा दिया हेलीकॉप्टर, गाइस कितना तगड़ा लग रहा है फ्रैंकिल भैया, मैं तो पहली बार बैठा हूं। अबे मैं कौन सा दूसरी बार बैठ गया, लेकिन फ्रैंकिल भैया तुम्हें उड़ाना कैसे आता है हेलीकॉप्टर? सिंचन मैं सही बताऊं ना मेरे को सही से आता नहीं उड़ाना। अरे क्या कर रहे हो, फिर नीचे उतारो यार, मरना थोड़ी ना यार फ्रैंकिल भैया, अभी तुम सही ढंग से अमीर भी नहीं हो यार, तुम तो मेरे को मार दोगे। अबे नहीं सिंचन, थोड़ा बहुत तो मेरे को आता है, माइकल के साथ मैं एक बार बैठा था। अरे तो तुमने बोला क्यों, मैं भी पहली बार बैठा हूं। अबे मैं ये बोला था मैं पहली बार चला रहा हूं। फ्रैंकिल भैया कुछ भी कहो यार, तुम तो एक नंबर ओपी हो यार, आप तो मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई हो यार। सिंचन लेकिन तूने आज बहुत गंदी हरकत करी थी, तूने ना मेरे को गंजा कर दिया था। अरे तो क्या हो गया यार, अब तो तुम्हारे बाल भी आ गए। हां सिंचन मेरे बाल आ गए, लेकिन तूने मेरे को बताया नहीं, मैंने देखा भी नहीं। अरे आगे फ्रैंकिल भैया आपके बाल भी आ गए, मैंने देख लिया था पर मैंने आपको बताया नहीं यार। गाइस यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गाइस आप लोग ना जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और गाइस इस वीडियो पे ना 10,000 लाइक कंप्लीट करा दो गाइस प्लीज। अरे नहीं फ्रैंकिल भैया तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कहना कोई भी नहीं मानता यार, कोई करेगा ही नहीं लाइक। अबे नहीं सिंचन करेंगे ना ये सारे लोग यार, मेरे फेवरेट दोस्त हैं यार, जरूर करेंगे। गाइस अगर आप लोग मेरे दोस्त हो तो जल्दी यार इस वीडियो पे 10,000 लाइक कंप्लीट करवा दो, और गाइस सिंचन को दिखा दो कि आप लोग मेरे दोस्त हो। अरे नहीं फ्रैंकिल भैया आपका कोई भी दोस्त नहीं, आपकी कोई बात नहीं मानता।
सब लोग मेरी बात मानते हैं। गाइज अब तो यार इज्जत का सवाल आ गया। गाइज प्लीज अभी के अभी गाइज इस वीडियो पे 10,000 लाइक कंप्लीट कर दो। गाइज जितने भी लोग गाइज सारे लोग जल्दी से गाइज लाइक ठोक दो, जल्दी से गाइज इस वीडियो पे 10,000 लाइक कंप्लीट करा दो। और गाइज सिंचन को दिखा दो यार, अगर गाइज इस वीडियो पे 10,000 लाइक कंप्लीट नहीं हुए ना तो गाइज मेरी ना सिंचन के सामने बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तो गाइज प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, और गाइज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज प्यार वाला बाय।